हाय गाइस, आज इस वीडियो का टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना डिले किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर क्या होगा? बी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आंसर क्या होगा? सी, इंदिरा गांधी। अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो हर क्वेश्चन के आंसर को आप दे पाएंगे। पहले से ही अगर जानते हैं तो कॉमेंट में जरूर लिखिए। आगे बढ़ेंगे। हु इज़ द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? राइट आंसर होगा डी, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम एंड अदर मिनिस्टर्स। इनमें से कौन सा आर्टिकल प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? तो आंसर क्या होगा? सी, आर्टिकल 75। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए, बी, सी या फिर डी। आंसर होगा ए, प्रेसिडेंट के द्वारा। हु एडमिनिस्टर ओथ टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? तो आंसर होगा सी, प्रेसिडेंट। हु डिसाइड्स द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? लोकसभा, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट। आंसर होगा डी, पार्लियामेंट। विच पीएम्स बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज सद्भावना दिवस, किस प्रधानमंत्री की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जाती है? ए, बी, सी या फिर डी। तो आंसर होगा डी, राजीव गांधी। हु वॉज द यंगेस्ट पीएम ऑफ इंडिया, भारत के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आंसर होगा राजीव गांधी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट सियाचिन, इनमें से कौन सियाचिन का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे? करेक्ट आंसर होगा ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट होल्ड एनी अदर कैबिनेट पोस्ट बिफोर बिकमिंग पीएम, इनमें से किसने प्रधानमंत्री बनने से पहले कोई अदर कैबिनेट पद नहीं संभाला था? आंसर क्या होगा? सी, राजीव गांधी। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड, पीएम को इंक्लूड करके मिनिस्टर की टोटल नंबर कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो यहाँ पे दिया गया है 10% मेंबर ऑफ द लोकसभा, 15%, 20%, 25%। आंसर होगा बी, 15% मेंबर ऑफ द लोकसभा। हु इज द चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल इन इंडिया, भारत में अंतर राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन है? ए, बी, सी या फिर डी। आंसर होगा डी, प्राइम मिनिस्टर। हु कॉल्ड द पार्लियामेंट्री सिस्टम एज कैबिनेट सिस्टम, संसदीय प्रणाली को कैबिनेट प्रणाली किसने कहा था? ए, बी, सी या फिर डी। आंसर होगा ए, आइवर जेनिंग्स ने। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर राजीव गांधी, इनमें से कौन राजीव गांधी के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो आंसर क्या होगा? सी, पीवी नरसिम्हा राव। नेम ओनली इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु नेवर फेस्ड पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर, एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद का सामना नहीं किया। तो आंसर क्या होगा? ए, चौधरी चरण सिंह। हु अमंग द फॉलोइंग हैड द शॉर्टेस्ट टाइम इन ऑफिस एज अ पीएम ऑफ इंडिया,
इनमें से किसका भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल में सबसे कम समय था, वो एज अ पीएम बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए अपॉइंट किए गए थे? तो आंसर होगा बी, चौधरी चरण सिंह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनमें से कौन भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है? तो आंसर होगा सेवन रेस कोर्स रोड। हु वॉज फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू बी अवॉर्डेड विथ भारत रत्न पोस्टमेशली, हिंदी मीनिंग होगा मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर होगा सी, लाल बहादुर शास्त्री। हु वॉज द फर्स्ट वुमन पीएम टू गेट भारत रत्न, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला पीएम कौन थी? तो आंसर होगा ए, इंदिरा गांधी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू प्रेजेंट यूनियन बजट, इनमें से कौन केंद्रीय बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे, ए बी सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू। विच पीएम्स ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन एन ऑटोबायोग्राफी, किस प्रधानमंत्री की आत्मकथा का शीर्षक मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन एन ऑटोबायोग्राफी है? तो आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी? डी, इंदर कुमार गुजराल का। हु वॉज ओनली पीएम ऑफ इंडिया टू बी अवॉर्डेड निशान ई पाकिस्तान, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर क्या होगा, बी, मोरारजी देसाई। हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर एज द पीएम ऑफ कंट्री ड्यूरिंग वॉर विथ पाकिस्तान इन 1965, इनमें से किसने 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला था? तो आंसर क्या होगा, सी, लाल बहादुर शास्त्री। हु वॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेन राजीव गांधी वॉज टेकिंग ओथ एज द पीएम, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तब देश के राष्ट्रपति कौन थे, क्योंकि पीएम को ओथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं? तो आंसर क्या होगा, ज्ञानी जेल सिंह। ड्यूरिंग हुज रेन नेशनल इमरजेंसी वॉज इम्पोज्ड इन इंडिया, भारत में नेशनल इमरजेंसी किसके शासनकाल में लगाया गया था? करेक्ट आंसर होगा डी, इंदिरा गांधी। इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैरिस द फॉर्म ऑफ ओथ और अफर्मेशन फॉर पीएम ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में भारत के प्रधानमंत्री के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का रूप है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ? राइट आंसर होगा बी, थर्ड शेड्यूल में। अभी दो क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर वन, हु इलेक्ट्स द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, ए बी सी या फिर डी? कमेंट में लिख के बताना है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन पीएम्स हैव बीन अवॉर्डेड भारत रत्न सो फार, भारत के कितने प्रधानमंत्रियों को अब तक भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, 3, 5, 6, 7? इसका भी आंसर आपको लिख के बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।